हाथरस हादसे के बाद नारायण हरि साकार विश्व हरि भोले बाबा सुर्खियों में है। बाबा बनने से पहले ये कभी सूरजपाल जाटव हुआ करता था। अब तक पुलिस ने बाबा के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं किया है। हादसे के 24 घंटे बाद बाबा के वकील ने कहा कि घटना से वो दुखी हैं। बता दें, हाथरस में भगदड़ के बाद 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। भोले बाबा के बारे में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। बाबा शराब और सवाब दोनों का आदि था, लेकिन हम बाबा की वो कहानी आपको बताने जा रहे हैं जिसमें बाबा को जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि सबूतों के अभाव में बाबा की जल्द रिहाई हो गई। इस बीच बाबा को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोग उन्हें दोषी ठहरा रहे हैं तो कुछ लोग उनके पक्ष में खड़े हैं। बाबा के गाँव वालों के मुताबिक भोले बाबा पहले गाँव में ही सत्संग करते थे, लेकिन बाद में वहाँ काफ़ी भीड़ होने लगी, इसलिए उन्होंने गांव में सत्संग बंद कर दिया। उनके अनुयायियों का दावा है कि बाबा अपने भक्तों से किसी तरह का दान या चढ़ावा नहीं मांगते। गांव की महिलाओं का कहना है कि बाबा का आचरण बहुत अच्छा है, वह सिर्फ भगवान के बारे में ही बातें करते हैं। ये घटना करीब 16 साल पहले की है। बाबा ने एक लड़की को गोद लिया था। कहते हैं बाबा ने 2 दिनों तक उसके शव को अपने घर पर रखा था, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि वो उसे जीवित कर देंगे। बाबा यानी कि सूरजपाल की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने अपनी भतीजी को गोद लिया था। वो लड़की कैंसर से पीड़ित थी। एक दिन लड़की बेहोश हो गई। बाबा के अनुयायियों ने दावा किया कि वो चमत्कार से बच्ची को ठीक कर देगा। कुछ देर बाद लड़की को होश आ गया, लेकिन कुछ ही देर बाद लड़की की फिर से मौत हो गई। लड़की के शव को शमशान घाट ले जाया गया, लेकिन बाबा के अनुयायी इस बात पर अड़े थे कि बाबा आएंगे और लड़की को वापस जीवित करेंगे। उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लाठीचार्ज करना पड़ा। इस मामले में पुलिस ने सूरजपाल और उसके 6 अनुयायियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि सबूतों के अभाव में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने लड़की का अंतिम संस्कार किया। कहा जा रहा है कि बाबा अभी मैनपुरी के आश्रम में है और वहाँ सुरक्षा का जबरदस्त पहरा है। बाबा के वकील AP सिंह ने कहा कि बाबा ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना की है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है।